आप सरकार दे कार्यकाल दौरान पंजाब की आमदन के विच 3% वाधा होया है। दस दिए कि आमदन के मामले में पंजाब ने हरियाणा नूं भी पछाड़ के पिछे कर दिता है। कैग की ताज़ा रिपोर्ट के विच इसका खुलासा होया है। भावें आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सीएम भगवंत मान की सरकार की कर्जे ते होर मुद्दे लैके विरोधी पार्टियां वालों भावें लगातार आलोचना की जा रही है, पर इस सरकार ने अपने कार्यकाल दौरान पिछले महीनों में आमदन के मामले में हरियाणा को पिछे छड्ड दिता है। कैग के ताज़ा अंकड़ों तो प्रगटावा होया है कि अगस्त 2023 के समय तक पंजाब को 47,923.41 करोड़ रुपए की आमदन हुई है, जबकि इस समय तक हरियाणा सरकार की आमदन 45,372.39 करोड़ रुपए हुई है। इस तरह पंजाब को 2,551 करोड़ रुपए की वाधा आमदन हुई है। भगवंत मान सरकार की यह बड़ी प्राप्ति है क्योंकि उसनु पिछलियां सरकारां दे कर्जे का भी ब्याज मोड़ना पै रहा है। एक अंदाजे मुताबिक इस साल की आमदन का 2,000 करोड़ रुपए तो वाधा कर्जे का ब्याज चुकाउण दे विच ही चला जाएगा। दस दिए कि बिजली की भी वड्डी सबसिडी भी सरकार ने पहलां दा कीती है ते इसके बावजूद भलाई स्कीमां ते नौकरियां भी दित्तियां जा रही हैं, जो सरकार वालों आमदन बढ़ाने लई चुके जा रहे कदमों का ही नतीजा है। पंजाब की कुल आमदन में 3% का वाधा हुआ है। इसके मुकाबले हरियाणा की आमदन में साल दौरान वाधा 0.71% ही बनता है। पंजाब की मौजूद सरकार ने सबसिडी के 8,920.70 करोड़ और कर्जे के ब्याज के 7,976.7% ब्याज विधि भी अदायगी की है। कैग के अंकड़ों मुताबिक साल 2022-23 5,954.15 करोड़ रुपए अप्रैल महीने और 7,792.40 करोड़ रुपए की आमदन अगस्त महीने तक हुई है। इस तरह साल 2023-24 अप्रैल महीने 7,235.29 करोड़ और अगस्त महीने के 10,948.6 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। आप सरकार के कार्यकाल दौरान पंजाब की आमदन के 3% वाधा होया है। आमदन के मामले के पंजाब ने हरियाणा को भी पीछे छड़ दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा अपडेट न्यूज़ के नाल धन्यवाद। आप सरकार के कार्यकाल दौरान पंजाब की आमदन के 3% वाधा होया है। दस दिए कि आमदन के मामले में पंजाब ने हरियाणा को भी पछाड़ के पिछे कर दिता है। कैग की ताज़ा रिपोर्ट के विच इसका खुलासा होया है। भावें आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सीएम भगवंत मान की सरकार की कर्जे ते होर मुद्दे लैके विरोधी पार्टियां वालों भावें लगातार आलोचना की जा रही है, पर इस सरकार ने अपने कार्यकाल दौरान पिछले महीनों में आमदन के मामले में हरियाणा को पिछे छड्ड दिता है। कैग के ताज़ा अंकड़ों तो प्रगटावा होया है कि अगस्त 2023 के समय तक पंजाब को 47,923.41 करोड़ रुपए की आमदन हुई है, जबकि इस समय तक हरियाणा सरकार की आमदन 45,372.39 करोड़ रुपए हुई है। इस तरह पंजाब को 2,551 करोड़ रुपए की वाधा आमदन हुई है। भगवंत मान सरकार की यह बड़ी प्राप्ति है क्योंकि उसनु पिछलियां सरकारां दे कर्जे का भी ब्याज मोड़ना पै रहा है। एक अंदाजे मुताबिक इस साल की आमदन का 2,000 करोड़ रुपए तो वाधा कर्जे का ब्याज चुकाउण दे विच ही चला जाएगा। दस दिए कि बिजली की भी वड्डी सबसिडी भी सरकार ने पहलां दा कीती है ते इसके बावजूद भलाई स्कीमां ते नौकरियां भी दित्तियां जा रही हैं, जो सरकार वालों आमदन बढ़ाने लई चुके जा रहे कदमों का ही नतीजा है। पंजाब की कुल आमदन में 3% का वाधा हुआ है। इसके मुकाबले हरियाणा की आमदन में साल दौरान वाधा 0.71% ही बनता है। पंजाब की मौजूद सरकार ने सबसिडी के 8,920.70 करोड़ और कर्जे के ब्याज के 7,976.7% ब्याज विधि भी अदायगी की है। कैग के अंकड़ों मुताबिक साल 2022-23 5,954.15 करोड़ रुपए अप्रैल महीने और 7,792.40 करोड़ रुपए की आमदन अगस्त महीने तक हुई है। इस तरह साल 2023-24 अप्रैल महीने 7,235.29 करोड़ और अगस्त महीने के 10,948.6 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। आप सरकार के कार्यकाल दौरान पंजाब की आमदन के 3% वाधा होया है। आमदन के मामले के पंजाब ने हरियाणा को भी पीछे छड्ड दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा अपडेट न्यूज़ के नाल धन्यवाद।